आई एम एंजे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नेचर्स एसेंस के फेशियल किट्स। तो यहाँ पे मेरे पास है 5 नेचर एसेंस के फेशियल किट्स। तो सबसे पहली किट जो मेरे पास यहाँ पे है और जो मैं आज यूज करने वाली हूँ वो है ब्राइटनिंग डायमंड फेशियल किट्स। और जो सेकेंड नंबर की है वो है मेरे पास फ्लॉलेस पपाया। थर्ड है मेरे पास जेंटल फ्रूट। फोर्थ है मेरे पास यहाँ पे व्हाइटनिंग पर्ल। और फिफ्थ है मेरे पास यहाँ पे ग्लोइंग गोल्ड। तो आज जो मैं फेशियल किट आपको यूज करके दिखाने वाली हूँ वो है ये वाली। ये है नेचर एसेंस की ब्राइटनिंग डायमंड फेशियल किट। अगर प्रोडक्ट के पैकेजिंग की बात की जाए तो कार्डबोर्ड पैकेजिंग है प्लस लैमिनेशन होके आया है। अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ओपन करती हूँ तो यहाँ पे हमें मिलते हैं 5 प्रोडक्ट। सबसे पहले हमें मिला है D10 थेरेपी, ये हमें फ्री मिला हुआ है। इसको एज अ प्री फेशियल प्रेप हम यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद हमें फेशियल के 4 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। पहला है क्लेंजर, दूसरा है नरिश, तीसरा है पॉलिश और चौथा है परफेक्ट। ये 4 चीजें हमें यहाँ पे मिल जाती है। बॉक्स के ऊपर मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले D10 थेरेपी लेनी है और उसके बाद जो है फेशियल की क्रीम्स अप्लाई करनी है, और क्रीम्स के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है उसी हिसाब से आपको यहाँ पे क्रीम यूज करनी है। पीछे यहाँ पे आपको टाइम और डिटेल्स दे रखी है कि किस तरीके से आपको प्रोडक्ट यूज करना है और कौन सा प्रोडक्ट आपको कितने टाइम तक यूज करना है। इस प्रोडक्ट का प्राइस है 260 रुपीज। और जो बेस्ट पार्ट है इस प्रोडक्ट का वो ये है कि ये सभी स्किन के लिए जो है सुटेबल है। तो अभी मैंने सुबह से बिल्कुल भी अपने फेस पे कुछ नहीं लगाया, मैंने क्लेंजर से भी फेस वॉश नहीं कर रखा है, क्योंकि मैं आप लोगों को एकदम बिफोर और आफ्टर का इफेक्ट दिखाना चाह रही थी। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है ये D10 थेरेपी। सबसे पहले हम इसे यूज करेंगे, इसको एज अ प्री फेशियल प्रेप हम यहाँ पे यूज करने वाले। तो नाम से पता लग रहा है कि आपके फेस की टैनिंग ये हटाने वाला है। तो सबसे पहले मैं इसे अप्लाई करूंगी, तो प्रॉपर सील के साथ आया ये। तो जो D10 है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, काफी क्रीमी है, व्हाइट कलर का है। इसको हमें अपने फेस पे लगाना है। इसे कुछ नहीं करना है, एज अ मास्क हम लोगों को इसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैंने D10 का जो है मास्क यहाँ पे अप्लाई कर लिया है। अब हम लोगों को 15 मिनट्स तक वेट करना है और 15 मिनट्स के बाद जो है इसे वाइप ऑफ करना है। ओके गाइस, तो फेस मैंने वॉश कर लिया है, काफी अच्छा मॉइस्चर भी मिला है फेस को। पहले बहुत ज्यादा मतलब ड्राई फील हो रहा था, बट इसको लगाने के बाद काफी अच्छा फील हो रहा है। गाइस, सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेप, फेशियल स्टार्ट होता है। और फेशियल का जो सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज क्लेंजर। हम यहाँ पे क्लीन करेंगे अपने फेस को। तो ये है ब्राइटनिंग डायमंड फेस क्लेंजर, ये भी सील्ड है। So this is what the inner product looks like. Okay, तो facial के first step में हम लोग यहाँ पे cleanser use करने वाले हैं। Cleanser आपको अपने face और neck पे लगाना है। मैं यहाँ पे खुद कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा problem आया है neck करने में, इसलिए मैं इसे face करके दिखा रही हूँ। और 5 मिनट तक मुझे अपने face पे इससे massage देनी है। तो ये काफी creamy form में है और इसके अंदर छोटे छोटे particles हैं जो I guess scrubbing करने में help करेंगे, as you can see. खुशबू बहुत अमेजिंग है, बट काफी लोगों को ये बहुत ज्यादा यू नो हार्ड लग सकती है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। जैसे मेरा यहाँ पे है तो उस स्पेस को आप छोड़ देना, वहां पे स्क्रब करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इससे स्किन जो है इरिटेट हो सकती है। इस पार्ट पे बहुत अच्छे से करना बिकॉज डेड स्किन जो है सबसे ज्यादा आपके नोज के पास होती है, अगर आप कॉम्बिनेशन स्किन वाले हो या आप ऑयली स्किन वाले हो तो। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने अपना फेस जो है क्लीन कर लिया है। तो यहाँ पे कुछ चीजें मैंने नोटिस करी है। सबसे पहले तो मेरा फेस एज यूजुअल ड्राई हुआ है, क्योंकि फेस क्लेंजर यूज करने के बाद मेरा फेस काफी ज्यादा ड्राई हो जाता है, प्लस इसमें स्क्रब भी था तो हो गया थोड़ा सा ड्राई। सेकेंड चीज जो मैंने यहाँ पे नोटिस की है वो ये है कि जब मैंने मिरर में देखा अपना फेस पास से, तो छोटे छोटे ना ग्लिटर के पार्टिकल्स मेरे फेस पे पूरी तरफ से हैं। वो या तो मैंने टॉवल यूज किया उसमें से आया, या फिर इस प्रोडक्ट में ही वो चमकीनेस थी ग्लिटर की, क्योंकि जैसा कि इसका नाम डायमंड है तो हो सकता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स मेरे फेस पे आ गए हैं। ओके गाइस, सेकंड मेरा स्टेप है वो
है ये नरिश ब्राइटनिंग डायमंड मसाज क्रीम। तो बेसिकली ये पर्टिकुलर चीज हमें अपने फेस पे मसाज करने के लिए मिली है, सिर्फ मसाज करना है, सिर्फ वॉश नहीं करना है, और मसाज तब तक करनी है आंटी ने अंदर से प्रोडक्ट आपके फेस के अंदर पूरा चलाना जाए। तो इस फेशियल के सारे प्रोडक्ट जो हैं वो व्हाइट कलर के हैं अंदर से। ओके गाइस, तो 2 मिनट मुझे हो गए यहाँ पे मसाज करे हुए और हल्की सी टिंगलिंगनेस है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर, तो आई गेस ये चीज नॉर्मल है। तो ये स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है, अच्छे से मैंने मसाज कर ली है। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि मेरे फेस पर हल्का सा ग्लिटर ग्लिटर है, वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वजह से ही है, क्योंकि जब मैंने अभी थर्ड वाली क्रीम लगाई, इसको लगाने के बाद मेरे फेस पे वो जो ग्लिटरनेस थी ना वो और ज्यादा इनहेंस हो गई है। पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं। ओके गाइस, तो थर्ड स्टेप है मेरा यहाँ पे पॉलिश ब्राइटनिंग डायमंड ग्लो पैक। अब ये पैक मैं अपने फेस पे लगाऊंगी। ओके, तो इसमें लिखा हुआ है कि आपको थिक लेयर लगानी है अपने फेस पे और उसके बाद जो है आराम से रिलैक्स करो, कोई मसाज वगैरह नहीं करनी है। ओके, तो जो मैं आपको पहले बता रही थी तो वही बात इसमें लिखी है, मैंने अभी पढ़ी है कि रिलैक्स फॉर 10 मिनट्स एज योर स्किन अब्सॉर्ब द डायमंड स्पार्कल इन द पैक। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर पैक के अंदर स्पार्कल है, तो डरने वाली बात नहीं है। ये मुझे लग रहा था पता नहीं कहाँ से आ गया ये वाइट वाइट सा, ठीक है। उसके बाद जब पैक ड्राई होगा उससे पहले ही हमें उसे वॉश कर लेना है, ठीक है, एकदम एक्सट्रीमली ड्राई से नहीं होने देना है। तो पैक मैंने यहाँ पे प्रॉपरली जो है अप्लाई कर दिया है। अब इसको 10 मिनट तक हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे और ड्राई होने से पहले ही हम इसे वॉश कर देंगे। ओके गाइस, तो थर्ड स्टेप मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, फेस मैंने वॉश कर लिया है, काफी अच्छा हाइड्रेटिंग फील हो रहा है मुझे और काफी सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है, ठीक है। ओके, तो फोर्थ स्टेप है हमारा परफेक्ट ब्राइटनिंग डायमंड पॉलिशिंग क्रीम। तो ये बेसिकली क्रीम है, ठीक है। अब इससे क्या करना है हमें कि नॉर्मली एक बेसिक क्रीम है, क्रीम लगा के छोड़ दो और आपका फेशियल हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट। हम लगाएंगे थोड़ी, आई थिंक इतनी क्रीम फेस के लिए इनफ है, या मैं ये कहूंगी कि ज्यादा ही है। अच्छे से क्रीम आपको अपने फेस पे लगा ली है। मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप फेशियल जो है किसी प्रोफेशनल से करवाओ, क्योंकि उससे जो है और अच्छा इफेक्ट आता है, क्योंकि उन्हें प्रॉपर टेक्निक पता होती है, वो और भी अच्छे से आपकी मसाज एंड ऑल करेंगे, आपको रिलैक्सिंग फील होगा। अब यहाँ पे तो सबका मैंने किया है, मैंने कुछ रिलैक्स नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि मेरा तो खुद का हाथ पैर चल रहा था, राइट, और नेट पे मैं नहीं कर पाई। तो अगर आप किसी प्रोफेशनल से कराओगे तो यू बी लाइक आराम से लेटे रहोगे और वो जो पर्सन होगा वो आपके अच्छे से मसाज एंड ऑल करता रहेगा, तो आपको अच्छा फील होगा और स्किन पे भी कहीं ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है एज कम्पेयर टू खुद से करना, ठीक है। तो ये मैंने लगा दी क्रीम, काफ़ी अच्छा अच्छा फील हो रहा है फिलहाल मुझे, बिफोर और आफ्टर में कितना फर्क आया है। अगर मैं एनालाइज करूँ तो मुझे पहले के मुकाबले थोड़ा बहुत इफेक्ट आया है, बाकी मैंने ज़्यादातर सुना है कि नेक्स्ट डे थोड़ा और अच्छा इफेक्ट आता है। तो फिलहाल मुझे ये पर्टिकुलर जो किट है ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और काफ़ी बजट फ्रेंडली है। अगर आप किसी पार्टी या शादी वगैरह में जाना चाहते हो और अपना ज़्यादा पैसा वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो यू कैन बाय ऐसी किट छोटी छोटी और आप घर पे ही खुद का कर सकते हो। मेरे हिसाब से एक जो आपका फेशियल किट है वो 3 बार यूज़ करने के काम बहुत ही आराम से आ जाता है, अच्छी खासी एक्सपायरी डेट है, आराम से यूज़ करना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। और जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि यूज़ एवरी 2 वीक्स फॉर बेस्ट रिजल्ट, तो आप 2-2 हफ्ते में भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। इंस्टेंट ग्लो चाहिए तो अपनी पार्टीज एंड ऑल से कुछ टाइम पहले करवा लो, और अगर आप चाहते हो कि हमेशा ही आपका फेस ग्लोइंग रहे तो आप इसे जो है 2 हफ्ते के हिसाब से यूज़ कर लेना।
तो ये भी बहुत अच्छा। बाकी जितने भी रेंज है आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग जो है जैसा ट्रीटमेंट आपको चाहिए उस हिसाब से चूज करके ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप मंगा सकते हो। लिंक जो है मैं इस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जो है ले सकते हो, परचेज कर सकते हो। लिखा हुआ है अमेजोन, माइका और पर्पल, तीनों में आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसमें आपको हाईली डिस्काउंट मिलेगा, आप वहां से ले लेना। मेरे हिसाब से अमेजोन में अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल सकता है। तो मुझे नेचर एसेंस का जो है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पसंद आया, ठीक है, तो आप इसे यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं बाकी रेंज भी यूज करके आपको रिव्यू दूं कि किस तरीके से फेस पे इफेक्ट लेकर आता है, तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता देना, ठीक है। बाकी प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको यूज करना है और कितना फायदा हो रहा है। एक का डेमो भी मैंने आपको दे दिया है और करती हूँ मैं इस वीडियो में यहीं पे वाइंड अप एंड आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।